सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो अपना होने वाला है यामा R15 V4 के बारे में। बाइक से रिलेटेड सारे डाउट्स आज आप लोगों को इस वीडियो से क्लियर हो जाने वाले हैं। कलर ऑप्शंस, कलर्स के अकॉर्डिंग प्राइसिंग में डिफरेंस, वेरिएंट्स क्या कुछ अवेलेबल रहते हैं, R15 सीरीज कंप्लीट अपने पास आज अवेलेबल है। V4 अपन लोग कवर करने ही वाले हैं, एम ये रहा और R15 V3 अपने पास ये रहा। बहुत ही जल्दी एक कंपैरिजन वीडियो R15 सीरीज़ का भी आप लोगों के लिए आने वाला है। रेसिंग ब्लू कलर की आप लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी, तो ये लो जी आप लोगों के लिए आ चुका है रेसिंग ब्लू। कलर ऑप्शन टोटल 4 अवेलेबल रहते हैं R15 V4 में, रेसिंग ब्लू में एंड वाइट वाले कलर ऑप्शन में, यानी कि वाइट कलर विथ ऑरेंज अलॉयज जो कि वहाँ पे बाइक अपने पास अवेलेबल है। इन दो कलर ऑप्शन में आप लोगों को क्विक शिफ्टर एज स्टैंडर्ड कंपनी से ही मिल जाता है, जिसकी वजह से प्राइसिंग में एक डिफरेंस आ जाता है। कलर ऑप्शन टोटल 4 हैं, वाइट और ब्लू ये अपना हो ही चुका है, एक रहता है मैट ब्लैक विथ गोल्डन अलॉयज, इस टाइप से ये अपना हो जाता है थर्ड कलर ऑप्शन। और फोर्थ कलर ऑप्शन रहता है अपना ग्लॉसी रेड, जिसमें कि ग्लॉसी ब्लैक अलॉयज आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। सो दो जो टॉप एंड कलर रहते हैं यानी कि रेसिंग ब्लू और वाइट, ऑन रोड जयपुर रहेगा 2.28, 2,28,000 ऑन रोड जयपुर विथ क्विक शिफ्टर, और मैट ब्लैक और रेड वाला कलर रहेगा 2.22, 2,22,000 ऑन रोड जयपुर। सो वेरियंट्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखा जाए तो लगभग 6,000 रुपये का डिफरेंस हो जाता है V4 के दो कलर ऑप्शन, 2,22, दो कलर ऑप्शन 2,28, इस टाइप से 6,000 रुपये का डिफरेंस आपको कलर्स के अकॉर्डिंग देखने को मिल जाने वाला है। R15 सीरीज़ आप लोगों को पता ही है, V4 हो जाता है अपना मिड वेरिएंट, टॉप वेरिएंट R15M, बेस वेरिएंट R15S वर्जन 3, V3 और M का भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अब कई लोगों का एक मेरे पास ना कमेंट ये भी आया कि यार V4 में और V3 में भी मॉन्स्टर एनर्जी आता है क्या। सो सिर्फ M में ही मॉन्स्टर एनर्जी अवेलेबल रहेगा, मॉन्स्टर का भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन ज़रूर से चेकआउट करना, काफ़ी सारे वीडियोस यूज़फुल आप लोगों के लिए रहने वाले हैं। इग्निशन ऑन कर दिया है, इग्निशन के साथ इस टाइप से अपना स्टार्टअप है, इग्निशन के साथ ये कुछ आपका लाइटिंग सेटअप ऑन रहने वाला है। LED DRL कॉम्बिनेशन में लाइटिंग सेटअप मिलेगा, LED विद हैलोजन, LED DRL और LED में ही प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है। लाइटिंग का थ्रू काफ़ी डिसेंट यहाँ पर आप लोगों को मिल जाने वाला है। स्टिकरिंग का एक पार्ट भी फ्रंट में देखने को आ जाएगा वाइट फिनिश में। यहाँ पे आप लोगों को कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा इस पेंट में, ग्लॉसी प्लस मैट ब्लू कॉम्बिनेशन आ जाता है, प्लस स्टिकरिंग में भी काफ़ी अच्छा यूज़ यहाँ पे आप लोगों को ब्लू और एक ब्लू का ही अदर टोन देखने को मिल जाएगा। स्टिकरिंग काफ़ी मिनिमम है, R15 वर्जन 4 का एक स्टिकर है, यामा की ब्रांडिंग आप लोगों को फ्रंट मडगार्ड पर आ जाती है, उसी के साथ साथ रियर फेयरिंग पे आ जाता है अपना VVA वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन, इस टाइप से काफ़ी मिनिमम स्टिकरिंग इस कलर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाने वाली है। लाइटिंग अपना हो ही चुका है, इस टाइप से फ्रंट में विंडस्क्रीन आ जाती है, सेमी डार्क में रियर व्यू मिरर जो कि ये फोल्डिंग पोजिशन अभी है, मतलब इसको ओपन भी यहाँ पे आप लोग इस टाइप से कर सकते हो। काफ़ी सारी एसेसरीज यामा सीरीज R15 सीरीज़ की आप लोगों को आफ्टर मार्केट में मिली जाती है। नंबर प्लेट का क्लैंप, फ्रंट लुक ये हो जाता है अपना कंप्लीट, फ्रंट मडगार्ड मैट फिनिश में रहेगा, अपसाइड डाउन सस्पेंशन सेटअप है, थिकनेस और ट्रेवल कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप लोगों को मिली जाता है। फ्रंट ब्रेकिंग यहाँ पर रहता है बाइब्री, रियर रहता है निसिन। फ्रंट डिस्क का साइज़ है 282 mm, 282 mm, ड्यूल चैनल ABS, MRF का अपना फ्रंट टायर रहेगा 100 सेक्शन का, फ्रंट टायर की ग्रेडिंग 180/17, पैटर्न अपना कुछ इस टाइप से है, और अलॉयज इस कलर ऑप्शन में आप लोगों को ग्लॉसी ब्लू में ही मिलने वाले हैं। साइड फेयरिंग ज़्यादातर आप लोगों को मैट ब्लू में ही देखने को मिलेगा, स्टिकरिंग अपना हो ही चुका है, इस टाइप से हेलोजन में अपना इंडिकेटर का सेटअप आ जाता है, स्प्लिट यहाँ पे आप लोगों को सीट मिल जाती है, रियर फेयरिंग VVA वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन, प्लस ये एयर वेंट का काम अपना करता है, की होल है सीट ओपन करने के लिए, कुशनिंग काफ़ी सॉफ्ट साइड पर मिल जाती है, 815 mm की टोटल अपनी सीट हाइट यहाँ पे रहेगी। फ्यूल टैंक यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है टोटल 11 लीटर का, 11 लीटर का टोटल अपना फ्यूल टैंक है। स्टिकर देखते हैं तो यामा मोटरसाइकिल कनेक्ट BT कनेक्टिविटी बाइक में मिलती है, उसका एक स्टिकर है। फ्यूल कैप अपना कुछ इस टाइप से है, की होल पे कवरिंग 11 लीटर, वार्निंग स्टिकर, E20 फ्यूल का एक आप लोगों को स्टिकर मिल जाता है। यामा का लोगो है क्रोम वाला, ये जेल वाला नहीं है, ये क्रोम वाला है, जैसा कि जेल वाला V3 में मिलता है। फिंस वाला पार्ट आ जाता है, शेप यहाँ से आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छा, एक प्रॉपर राइडिंग पोस्चर भी इसकी वजह से बन जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी कैटेगरी के अकॉर्डिंग काफ़ी इनफ है 11 लीटर। डेल्टा बॉक्स फ्रेम यहाँ पे यूज़ होता है जो कि विजिबल है प्रॉपर, और इस कलर का नाम रहने वाला है डीप पर्पलिश बी, सो डीप पर्पलिश ब्लू उसको हो सकता है कहते हैं। रियर टायर का सेटअप 140 सेक्शन MRF ट्यूबलेस टायर यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा, पैटर्न अपने सेप से है, टायर हगर एक पार्ट, टायर हगर सेकंड पार्ट। रियर सस्पेंशन मोनोशॉक है मल्टीपल वे एडजस्टमेंट के साथ। रियर टायर की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को रियर टायर रहने वाला है 140 सेक्शन का, 140/70/17 ये आप लोगों को यहाँ पे टायर की ग्रेडिंग रहने वाली है। रियर डिस्क 220 mm, 220 mm, निसिन ब्रेकिंग, ये अपना निसिन का कैलिपर। रियर लुक कुछ इस टाइप से बनता है अपना टायर के साथ।
टायर अगर रिमूव कर लेते हैं तो टायर ज़्यादा विजिबल आपका रहेगा। रियर लाइटिंग सेटअप इस टाइप से कुछ ऑन रहेगा इग्निशन के साथ, टेल लैम्प, नंबर प्लेट का बल्ब भी हेलोजन में ही है। तो रियर लाइटिंग सेटअप कंप्लीट आपको यहाँ पे हेलोजन में ही मिलेगा। टेल टाइडी रिप्लेस करके आफ्टर मार्केट यूनिवर्सल वाला भी इंस्टॉल करवा सकते हो। सेंटर वाला पार्ट अपना ज़्यादा है मैट ब्लैक में। अब देख लेते हैं स्विचेस, फिर करते हैं बाइक को स्टार्ट। सो स्लिप एंड असिस्ट क्लच R15 सीरीज में V3 भी, V4 में भी और R15M में भी स्लिप एंड असिस्ट क्लच ही मिलने वाला है। ये अपना रबर ग्रिप, हाई बीम लो बीम प्लस पास 3-in-1 स्विच अपना यहाँ है। इंडिकेटर इस टाइप से, ड्यूल बजर में काफ़ी लाउड होने, क्लिप ऑन हैंडल बार है तो हैंडल का लेआउट अपना कुछ इस टाइप से है। राइट साइड पे किल स्विच प्लस स्टार्टर 3-in-1 स्विच यहाँ भी है। हजार्ड के लिए पर्टिकुलर स्विच मिल जाता है, हजार्ड अपना ऑन हो चुका है। और ट्रिप और इन्फो एक स्विच यहाँ भी आप लोगों को मिल जाता है 2-in-1, जिससे कि MID से रिलेटेड सारा सेटअप अपना रहेगा। की का शेप कुछ अपना इस टाइप से है, जैसा कि MT में भी, FZ सीरीज में भी इस टाइप का की का शेप रहता है। यह अपना हुआ स्विचेस का सेटअप। MID देख लेते हैं फिर करते हैं बाइक को स्टार्ट। सो पहले देखेंगे MID का स्टार्टअप किस टाइप से है। सो ये है MID का अपना पूरा स्टार्टअप, काफ़ी अच्छा और काफ़ी एक कंफ्यूजिंग ये वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। यामा का लोगो भी फुली इल्यूमिनेशन वाला ही रहेगा, सारी वार्निंग लाइट्स दोनों ही साइड आ जाती है। गियर इंडिकेटर अभी शो हो रहा है। दो राइडिंग मोड्स बाइक में मिलते हैं, स्ट्रीट मोड और ट्रैक मोड। टैकोमीटर यहाँ पे है, ये रहा स्पीडोमीटर, क्लॉक, ओडोमीटर, एवरेज अभी शो हो रहा है और ये रहा अपना फ्यूल गेज। अब चेंजेस करके देखते हैं तो ये स्विच अपना वर्किंग रहेगा। 2-in-1 एक स्विच यहाँ है अपर विंडो में, ऑडोमीटर, ट्रिप 1, ट्रिप 2 और ट्रिप एफ ये चीज़ें आ जाती है। नीचे वाले विंडो में आ जाता है आपका एवरेज, रियल टाइम, TCS ट्रैक्शन कंट्रोल भी यहाँ पे मिलता है, बैटरी वोल्टेज, कूल एंड टेम्परेचर, ट्रैक मोड और स्ट्रीट मोड। ट्रैक मोड पे अगर आप लोग बाइक कर लेते हैं तो इसी स्विच को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो बाइक आपका ट्रैक मोड पे आ जाएगी। और ट्रैक मोड पे आप लोगों को लेटेस्ट लैप, फास्टेस्ट लैप, एवरेज स्पीड वगैरह सब कुछ ट्रैक मोड में भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। उसके अलावा यह जब अपना पर 100 किलोमीटर बाइक ने कितना फ्यूल कंज्यूम किया और उसके अकॉर्डिंग एवरेज। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती है MID में। आप कर लेते हैं बाइक को स्टार्ट। सो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ स्टार्टअप यहाँ पे, जैसा कि आप लोगों को पता ही है सेम R15 सीरीज़ में रहता है। ये रहा अपना फुली लाइटिंग सेटअप, ऑन है फ्रंट का, प्रोजेक्टर भी ऑन है, काफ़ी डिसेंट लाइटिंग का थ्रो भी यहाँ पर बन जाता है। थोड़ा सा रेव कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ स्टार्टअप भी है, प्लस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एग्जॉस्ट रूट भी यहाँ पे आप लोगों को फील होने वाला है। राइड रिव्यू बहुत ही जल्दी V4 का भी आने वाला है, V3 का ऑलरेडी अपलोडेड है, V3 का राइड रिव्यू ऑलरेडी अपलोडेड है, V4 का आ जाने वाला है, उसके साथ आप लोगों के और ज़्यादा डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं फिर करते हैं अपना वीडियो एंड। सो 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड SOSC 4 वाल्व इंजन यहाँ पे मिल जाता है, 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ, 18.4 HP और 14.2 Nm टोटल आपका टॉर्क रहेगा। बाइक का टोटल वेट 141 kg, 141 kg बाइक का टोटल आपका वेट रहेगा। अब एक बार मैं कलर ऑप्शंस का 360 आप लोगों को दे देता हूँ, फिर कर देते हैं वीडियो को एंड। सो ये अपना मैट ब्लैक वाला कलर ऑप्शन, उसके साथ साथ जिस कलर ऑप्शन में अपने को क्विक शिफ्टर मिलता है वो रहता है आपका वाइट वाला। वीडियो अभी शूट हुआ है वाइट विथ ऑरेंज अलॉयज, ब्लू अपन लोगों ने कवर कर ही लिया है और यहाँ पे है अपना ग्लॉसी रेड जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग जाता है। 2,22,000। तो ये हुआ जी अपना पूरा वीडियो कंप्लीट। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो कमेंट में ज़रूर से बताना। इस कलर में ना R15 पर्टिकुलरली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। सारे कलर आप लोगों ने देख लिए हैं, आप लोगों को कौन सा कलर पसंद है कमेंट में ज़रूर से अपना ओपिनियन दें। करते अपना ये वाला वीडियो एंड और मिलते अगले वीडियो के साथ इसी के नेक्स्ट डे। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।